कम्युनिटी। इंडिया जो है वो माना जाता है कि ये एक ऐसा है जिसमें बहुत सारे गांव हैं, और जो शहरी एक तरह से संस्कृति थी जो पुराने जमाने की, जैसे कि सिंधु वैली है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ये भी यहाँ पर पाए। इंडिया का अपना खुद का ट्रेडिशन है शहरों का और जो टाउन्स होते हैं उन कस्बों का। बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स जैसे ह्यून त्सांग, इन्होंने लिखा है डेवलप सिटीज जो अलग अलग स्टेट्स की थी इंडिया की, उनके बारे में लिखा है अपने आर्टिकल से, काशी बनारस के बारे में, मथुरा के बारे में। इनका कहीं ना कहीं कुछ एक खास रिलेशन था जो पास के गांव हैं उनके। अब हम जो है अर्बन कम्युनिटी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मतलब क्या होता है अर्बन कम्युनिटी? जो टाउन वर्ड है ये जो है उसके शहर के लिए जाना जाता है, या उसके लिए, और हम शहर भी कह सकते हैं, चाहे आप टाउन बोलो चाहे आप सिटी। जो ग्रुप है या कम्युनिटी है लोगों की जो कि शहरों में रहती है या टाउन्स में रहती है, उन्हें हम कहते हैं अर्बन कम्युनिटी, यानी कि शहरी समुदाय। अर्बन कम्युनिटीज थोड़ी बड़ी होती हैं साइज में, डेंसिटी पॉपुलेशन की यहाँ पर ज्यादा है। ज्यादातर जो पीपल हैं अर्बन कम्युनिटीज के वो नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में, खाली खेती बाड़ी ही नहीं करते, साथ ही साथ वो रहते जो हैं वो बड़े एरिया में रहते हैं। उनके फॉर्मल तरीके के रिलेशन होते हैं जो बाकी और मेंबर्स हैं कम्युनिटी के उनके साथ। डाइवर्सिटी यहाँ देखने को मिलती है, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, कम्युनिटी, लैंग्वेज, इंटरेस्ट, इन सब में जो है हमें देखने को मिलती है अर्बन कम्युनिटी। ये ज़्यादातर नेचर से बहुत दूर होते हैं। अगर सोशियोलॉजिकली कहा जाए तो अर्बन कम्युनिटी भी एक तरह का वे ऑफ लाइफ है। इसकी जो पहुंच है वो है ट्रांसपोर्टेशन तक, परचेज तक, सेल तक, एजुकेशन तक, और साइंटिफिक तरीके से रहने तक। डाइवर्सिटी यहाँ पर यानी विविधता जो है वो भी फील करती है, रहती है, सोशल सिस्टम के टर्म्स में कहा जाए, या जो बिलीफ है लोगों के अर्बन कम्युनिटी के उनके बारे में। इंडिया में अर्बन कम्युनिटीज की कोई भी सिमिलर फॉर्म नहीं होती। डाइवर्सिटी हमेशा दिखेगी, चाहे साइज में हो, स्ट्रक्चर में हो, या सेटलमेंट पैटर्न। अब देखते हैं इंटरप्रिटेशन और फीचर्स क्या है अर्बन कम्युनिटी। लुईस वर्थ जो थे उन्होंने कहा कि जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा घनी और उतनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी, यानी कि एक तरह से गुणा होते जा रहे। ये सब जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स माने इंडियन अर्बन कम्युनिटी, या इंडियन कहीं कह सकते हैं अर्बन कम्युनिटी। इसी तरह से किंग्सले डेविस जो थे उन्होंने अर्बन कम्युनिटी के अलग अलग फीचर, मल्टीप्लिसिटी, विविधता जो है वो कैसे मिलती है सोशल लाइफ में अर्बन कम्युनिटी के देखने को मिलती है, रिलीजन में, लैंग्वेज में, कल्चर में, ऑक्यूपेशन में, यहाँ तक कि सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। रिमोट रिलेशन, सिटी हो या टाउन, ये एक रिमोट कम्युनिटी है। रिलेशन जो है उनके बीच के जो मेंबर्स के रिलेशन हैं वो एक तरह से सिर्फ इंटरेस्ट और जो जरूरत है तो उसको पूरा कर लिया जाए उतने ही सेटिस्फेक्शन। रिलेशन ज्यादा मैकेनिकल मिलेंगे, ज्यादा फॉर्मल मिलेंगे। जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है वो आपको देखने को मिलेगी अर्बन कम्युनिटी, लेकिन सोशल प्रॉक्सिमिटी जो है वो आपको नजर नहीं आएगी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है एक रिलेशनशिप, एक नियरनेस जो होती है वो आपको इन वाले अर्बन जो कम्युनिटीज है उनमें नहीं मिलेगी। पर्सनलाइजेशन, इंडिविजुअल कोई भी हो अर्बन कम्युनिटी में वो तो ज्यादा पर्सनलाइज हो जाता है। मतलब क्या है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो कोशिश करते हैं कि वो जो है पर्सनल तौर पर सेलेक्ट करें उन साधनों को जो उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। उनको अपने खुद से ही पर्सनली सॉल्व करनी होती है वो प्रॉब्लम्स जो उनके गोल को हासिल करने के बीच में आ रही होती है। इसलिए इंडिविजुअल जो है हमेशा अपन महसूस करता है, शहरी तक समुदाय। सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी भी जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है अर्बन कम्युनिटी। शहरों में, टाउन में जो एक मोबिलिटी की इच्छा होती है इंडिविजुअल की, वो उसको कैसे इंस्पायर करती है अलग अलग इंसेंटिव से, अपॉर्चुनिटीज से, और अट्रैक्ट जो उसने स्टेटस हासिल किया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक इंडिविजुअल हायर स्टेटस एम कर सकता है एजुकेशन के और ट्रेनिंग के थ्रू, और इस तरह से वो एंगेज हो सकता है अलग कामों में। कंपटीशन सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना गया है अर्बन सोशल लाइफ का। फिर है रिमोट सोशल कंट्रोल। शहर टाउन कोई भी हो ये बहुत बड़ा होता है, और जो रिमोट कम्युनिटी होती है उसको चाहिए पुलिस, कोर्ट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ताकि वो जो है अपनी पब्लिक लाइफ को पॉसिबल बना सके, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन कर सके, और लोगों के या उनकी प्रॉपर्टीज, राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट। अर्बन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा मौके होते हैं कि जो भी डिवियंट बिहेवियर है उसको कम छिपा लिया जाए, गायब
अगर हम इसको विलेज कम्युनिटी से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले। डिविएंट का मतलब होता है ऐसे एक्शन जो नॉर्मल स्टैंडर्ड एक्शन से अलग होते हैं। फिर आता है सोशल टॉलरेंस। अर्बन लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंस जो है डेवलप करते हैं कुछ खास बिहेवियर और डाइवर्सिटीज के प्रति, मतलब वो जो है काइंडनेस है, एक समानता जो है उन लोगों के प्रति जो कि अलग कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेजेस, कम्युनिटीज, थॉट्स और प्रैक्टिसेस, एटीट्यूड के होते हैं उनके प्रति जो है वो ये जेनरोसिटी या काइंडनेस डेवलप करते हैं। ये जो फीलिंग है टॉलरेंस की अलग अलग तरह के लोगों के बीच, ये रिफ्लेक्ट करती है कि सोशल तौर पे उन्होंने कितना अडेप्ट किया। ये जो अडेप्टेशन है रिमोट रिलेशंस के द्वारा या मैकेनिकल लाइफ के द्वारा लीड किया जाता है। फिर आता है लोकल सेपरेशन। अर्बन कम्युनिटी कई एरियाज में डिवाइडेड होती है। कुछ एरियाज रेजिडेंशियल होते हैं, कुछ कमर्शियल होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ इंस्टीट्यूशन होते हैं, एजुकेशन के, हेल्थ, ट्रैफिक, ये सब जो है डेवलप किए जाते हैं। मैकेनिकल लाइफ में क्या है, अर्बन लाइफ की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मैकेनिकल। यहाँ जो लाइफ है अर्बन इंडिविजुअल की वो बिल्कुल हैंड्स ऑफ द क्लॉक के जैसे चलते, घड़ी के जो हाथ होते हैं उनकी तरह। अर्बन इंडिविजुअल जो है उसमें हमेशा फीलिंग देखने को मिलेगी एंग्जाइटी की, टेंशन का, कॉन्फ्लिक्ट। वॉलंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस ओरिएंटेड या ह्यूमनिस्टिक वॉलंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं या अलग अलग एसोसिएशंस हैं, ये आपको अर्बन कम्युनिटी देंगी जो डेवलप होती हैं जैसी सोशल नीड होती है अर्बन एरियाज उनके अकॉर्डिंग। ये ऑर्गेनाइजेशन सोशल, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी इंडिविजुअल को देती है। जैसे शहरीकरण बढ़ता है जो साइज और फॉर्म है सिटीज का वो लगातार बदल, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, डाइवर्सिटी है, वो भी बढ़ती जा रही है। इस तरह से कई सारी नई प्रॉब्लम्स जो है उभर, जैसे स्लम्स जो की झोपड़ियाँ होती है, बहुत ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा।